Hello students, good morning everyone. Now today we start part number 2, chapter number 8, fraction. Chapter 8 का हम लोग second part start करेंगे, जिसमें हम लोग आज start करेंगे fraction of collection. जिसके अंदर हम लोग start करेंगे fraction of collection. Fraction क्या होता है वो मैंने आपको last वाली video में बताया था. A part of whole is called फ्रैक्शन. टोटल पार्ट दिया हो उसमें से थोड़ा सा पार्ट अलग कर दिया जाए, सो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अब उसी के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पिक्चर के द्वारा बताया था, बट आज हम करेंगे उसे नंबर्स में. ओके, ये जो है आपका एक्टिविटी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है. फर्स्ट हमारा दिया है 1/3 of 18. ये जो नंबर लिए हैं ये मैंने अपने आप से ऐसे जंबल लिए हैं, इट्स नॉट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. यहाँ केवल आपको मैं सिखा रही हूँ, फिर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अपने आप करना है. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट. 1/3 of 18. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/3 of 18 मतलब ऑफ की जगह हम लोग मल्टीप्लाई की साइन रखेंगे. अब 1/3 में 3 नीचे है और 18 ऊपर है. जब नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं तब हम वहाँ पर डिवाइड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि 18 को हमें 3 से डिवाइड करना है. अब हमें 18 के लिए 3 का टेबल काउंट करना है. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. 3 का टेबल हमने 6 टाइम काउंट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि 18 का 1/3 पार्ट हमारा 6 होगा. 18 का 1/3 पार्ट हमारा 6 होगा. अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देर आर टोटल 18 बॉल्स. अब 18 बॉल्स का हमको 1/3 पार्ट लेना है, तो 1/3 पार्ट हमारा क्या आया? 6 आया ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 को मैं एक बॉक्स के अंदर डाल दूंगी और फिर यहाँ पे सेकंड 6 को मैं दूसरे बॉक्स में डालूंगी और तीसरे 6 को मैं तीसरे. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हमारे 18 बॉल हैं और एक एक बॉक्स के अंदर हमारे 6 6 बॉल्स आ गए. दैट मीन्स 18 का 1/3 पार्ट 6 होता है. क्लियर एवरीवन? अब 1/2 of 12 करना है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? 1/2 of 12, दैट मीन्स 1/2 multiply by 12. अब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे. हम 12 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 टाइम. 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 टाइम. दैट मीन्स कि कोई भी 12 चीज़ को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें 1 पार्ट में 6 मिलेगा. नेक्स्ट वन है हमारा 1/5 of 35, तो 1/5 of 35, दैट मीन्स 5 का टेबल हमें 35 के लिए काउंट करना है. तो 5 का टेबल हम काउंट करेंगे 35 के लिए, सो वी गॉट 7. 5 7 35. ओके, अब हम करेंगे 1/7 of 56. हमें 56 का 1/7 पार्ट करना है, तो 1/7 multiply 56. ये मल्टीप्लाई की साइन ऑफ की जगह आ रही है, बट 56 ऊपर है और 7 नीचे है,
तो ये हमारा डिवाइड होगा। व्हेन वी रीड द टेबल ऑफ 7 फॉर 56 वी गॉट 8, 7 8 ज़ा 56। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन का फ्रैक्शन किस तरह किया जाता है। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन, दैट मीन्स व्हाट? फ्रैक्शन दैट मीन्स अप साइड शेडेड पार्ट एंड डाउन साइड टोटल पार्ट्स। यहाँ ऊपर हम केवल शेडेड और कलर पार्ट्स लिखते हैं और नीचे हम लोग टोटल पार्ट्स लिखते हैं, दैट मीन्स कलर एंड नॉन कलर बोथ आर टुगेदर। ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो अब हमें इन पिक्चर्स में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। देखो, अब हम ये बॉक्स काउंट करते हैं। कलर के पार्ट कितने हैं? 1 2 3, तो मैं ऊपर लिख दूंगी 3। नाउ आई काउंट टोटल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स 3 इज कॉल्ड न्यूमिरेटर एंड 8 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ओके, अपसाइड नंबर इज कॉल्ड न्यूमिरेटर, डाउनसाइड नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अपसाइड वी शुड राइट शेडेड पार्ट और कलर पार्ट, डाउनसाइड वी शुड राइट टोटल पार्ट्स, दैट मीन्स कलर एंड नॉन कलर और शेडेड और नॉन शेडेड बोथ आर टुगेदर। इन द नेक्स्ट पिक्चर वी हैव टोटल 2 पार्ट्स शेडेड, सो वी शुड राइट अपसाइड। Now count the total parts, 1 2 3 4 5 6, we have total 6 parts, so 2 is called numerator and 6 is called denominator। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। देर आर टोटल 4 parts are shaded and total 12 parts. So 4 is called numerator and 12 is called denominator. अब हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 102 पे दिया है, कंप्लीट द टेबल, 1/2 of 24। तो 24 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड ऑफ के लिए नहीं है बेटा, ऑफ के लिए तो मल्टीप्लाई आता है, बट मैंने क्या कहा था, जब नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो वो डिवाइड होते हैं, तो 24 को हमने 2 से डिवाइड किया, सो वी गॉट 12। तो ऐसे ही हम सेकेंड कर सकते हैं, 1/2 of 40, तो हम इसे 40/2 भी लिख सकते हैं, एंड व्हेन वी डिवाइड 40/2 वी गॉट 20। ओके स्टूडेंट, अभी आ गया हमारा न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। न्यूमिरेटर दैट मीन्स इक्वल पार्ट्स बीइंग रेफर टू, आपको जो लेने को बोले हों। अगर आपको बोला है शेडेड पार्ट तो शेडेड, अगर आपको बोला है नॉन शेडेड तो नॉन शेडेड। एंड डिनोमिनेटर दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इसके नीचे देखो एक एग्जांपल दिया है, देर आर टोटल 5 पार्ट्स, सो डिनोमिनेटर इज 5, आउट ऑफ देम 2 पार्ट्स आर शेडेड, सो 2 इज कॉल्ड न्यूमिरेटर। अब इस तरह आपको अपने ये बी सी डी और ई ये 4 एक्सरसाइज रीड कर लेनी है कि किस तरह आपका होगा। यहाँ पे भी देखो टोटल 8 स्क्वायर्स दिए हैं, जिसमें से 5 को हमने कलर किया है, तो 5 इज कॉल्ड न्यूमिरेटर, एंड देर आर टोटल 8 बॉक्सेस, सो 8 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। इसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी नंबर 3 दी गई है। नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 3, कंप्लीट द टेबल। इसी तरह आपको ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। देर आर फिगर्स आर गिवन,
Here we should write numerator. Numerator that means shaded part. Here we should write total parts. That means denominator. And here we should write fraction for the shaded part. इस वाली pictures में 7 box shaded हैं. So that is called numerator. Total हमारे पास 10 box हैं. So that is called denominator. और जब हम उसको fraction में लिखते हैं तो we should write numerator divided by denominator. 7 divided by 10. Okay, got it students? Now we start next page. अब next page में आपको क्या दिया गया है? Write the correct fraction in each case. यहाँ पे आपको कुछ stories दी गई है जिसे आपको solve करके यहाँ पे उसका answer लिखना है. आपको first story दी गई है, आदित्य has 15 pence. आदित्य के पास 15 pence है, out of which 8 are blue. उसमें से 8 pence कैसी हैं? Blue हैं. The fraction of pence which are blue is. टोटल नंबर हमारे पास पेन का कितना है? 15 है. और ब्लू पेन हमारे पास कितनी है? 8. तो वी शुड राइट ब्लू पेन 8 एंड टोटल पेन 15. टोटल पेन हमारे पास 15 है जिसमें से ब्लू पेन हमारी 8 है. तो ये कम है तो इनको हम ले लेंगे एज अ न्यूमिरेटर. तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 8 बाय 15. टोटल नंबर ऑफ पेन में से इतनी पेन हमारे पास ब्लू है तो उसका फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा? 8 बाय 15. टोटल पार्ट्स ऑलवेज राइट डाउन साइड एंड शेडेड कलर और रेफर्ड पार्ट इज राइट अप साइड. रेफर्ड यानी फिर आपको उसमें जो बताया गया, जैसे कि इसमें हमें ब्लू पेन लेनी थी तो वो रेफर्ड पार्ट हो गया, तो वो हम लिखेंगे ऊपर. नाउ मोर अबाउट फ्रैक्शंस. अब हम फ्रैक्शन के अंदर ये तीन पॉइंट और सीखेंगे. फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन, सेकंड इज लाइक फ्रैक्शन एंड थर्ड इज अनलाइक फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन दैट मींस फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर एज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन का मतलब जिसका न्यूमरेटर 1 हो उस फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 हो, यूनिट फ्रैक्शन के अंदर आपका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होगा. लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर यानी नीचे का नंबर, जिसमें नीचे के सभी नंबर सेम हो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन. जिसमें हमारे नीचे के सभी नंबर क्या हो? सेम हो. इसमें देखिए सबके अंदर नीचे 7 दिया गया तो इसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन. एंड द थर्ड वन इज अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जिसका डिनोमिनेटर अलग हो, यहाँ पर देखो 8, 5, 7, 10 सभी के डिनोमिनेटर हमारे क्या हैं? अलग अलग हैं. सो वी कॉल इट अनलाइक फ्रैक्शन. वी शुड कॉल इट अनलाइक फ्रैक्शन. जिस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं. गॉट इट? तो आप ये वाला पेज फिर से रिफ़र कर लेना, ये वीडियो देखने के बाद ये पेज को अच्छी तरह से समझ लेना. देन आई एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी इन माई ऑनलाइन सेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.